हेलो दोस्तों, सुषमा गॉड फैमिली में आपका स्वागत है। ये देखिए, मैंने 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए इस टाइप की ड्रेस बनाई है। ये देखिए, ये इधर से इस तरह है। ये देखिए, देखने में कितनी अच्छी लग रही है ये। तो आज मैं आपको यही ड्रेस बनाना बताऊंगी। ये ड्रेस कैसे बनाई जाती है, ये देखिए, ये इस तरह खुलने वाली है। आप चाहें तो यहाँ पर एक बटन लगा सकते हैं। इसमें मैंने भी बटन लगाया नहीं है, फैंसी बटन एक यहाँ हम लगा सकते हैं। यहाँ 1 2 3 तीन बटन यहाँ लगेगा। और ये देखिए, कुछ ये इस तरह से बनी हुई है। तो चलिए, हम आज आपको यही वाली ड्रेस बनाना बताएंगे। ये देखिए, मैं इसे इन 2 कलर से आज आपको ड्रेस बनाना बताऊंगी। और ये 12 नंबर का क्रोशिया है, तो आज मैं आपको इसी से ही बनाना बताऊंगी। ये देखिए, इस तरह एक दो तीन चार पाँच छः 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखिए, ये हमारी 5 नंबर और 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए इतनी बहुत रही है। उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चैन लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम 1 2 3 तीन छोड़ेंगे इस तरह। हर एक चैन में हमें इसी तरह बनाना है। ये देखिए, इसी तरह क्रोशिया डाल के हर एक चैन में हमको इसी तरह, ये देखिए। तो चलिए, मैं ये राउंड आपको पूरा करके आगे दिखाती हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। ये देखिए, हमारा फर्स्ट राउंड कुछ इस तरह बन के ही तैयार हुआ है। तो इसको हम यहीं इस तरह करके यहीं छोड़ देंगे। अब इधर से हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से जो हमारी चेन थी, ये देखिए, 1 2 3 इसको हम ऐसे साथ साथ लेके चलेंगे। इसी वाले में ही हमें दोबारा एक बार बनाना है। इसमें 2 वर्क में बनाना है। ये देखिए, एक तो हमारी चेन थी इसमें और एक हमने बनाया। फिर आगे वाले में भी हमें इसी तरह डबल बनाना है, एक और एक, ये 2। इसी तरह हमें हर एक चैन में डबल डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, हर एक चैन में हम इसी तरह डबल डबल बनाते जाएंगे। ये देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और मेरा ये डिज़ाइन अगर आप पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा।
हर एक उसमें। तो चलिए मैं ये लाइन आपको आगे पूरी करके दिखाती हूँ कि मुझे और आगे इसके क्या करना है। ये देखिए मेरा ये इस तरह कुछ बन के तैयार हो रहा है। अब लास्ट में देखिए हमें क्या करना है, इसको इस तरह करके और इसको ऐसे करके यहाँ फंदे को ऐसे, ये देखिए, और इसको हम इस तरह खींच देंगे। ये देखिए ये हमारा कुछ ये इस तरह बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको भी हम इसी तरह छोड़ देंगे। अब इधर देखिए, चलिए मैं आगे आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए हम इसको दूसरा वाला जो धागा है इसको यहाँ से ऐसे करके एक दो तीन, और इस वाले को हम इस तरह खींच देंगे। तो ये हमारा यहाँ जॉइंट हो जाएगा। अब हर एक चैन में हमको इसी तरह इसमें एक एक क्रोशिया बनाना है हर एक चैन में। ये देखिए जिस तरह हम चोली बनाते हैं इसी तरह हर एक चैन में हमें इसको इसी तरह बनाना है। ये देखिए, ये देखिए हमारा कुछ ये इस तरह बनके तैयार हो रहा है। तो चलिए राउंड में पूरा करके आपको आगे दिखाती हूँ किसके आगे मुझे क्या करना है। ये देखिए मेरा ये वाला राउंड भी पूरा हो गया है। अब देखिए हमें इसे क्या करना है, इसको यहाँ एक दो तीन तीसरे वाले उसमें इसको इस तरह एक दो तीन इसी में हमें एक बार और लेना है, सॉरी दो तीन चार और ये पांच, छः। अब हम इसे चोली बनानी है। तो अब हम इसे देखिए इस तरह हमें करके इसको देख लेना और फंदे डिवाइड करने हैं। ये देखिए इस तरह ये हमारी चोली बनेगी। ये तो ये इस तरह करके हम फंदे भी डिवाइड करके चोली बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, छः के बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, हाँ हम दस छोड़ देंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये देखिए ये हमारी इस तरह ये चोली बन जाएगी। तो चलिए हम आपको ये चोली पूरी बना के भी दिखाते हैं आगे हमें क्या करना है। ये देखिए ये कुछ हमारा, ये देखिए हमारा ये कुछ इस तरह बनके तैयार हो रहा है।
ये देखो, इसको हम इस तरह करेंगे और एक दो तीन चार पाँच छः, इसको हम ऐसे खींच देंगे। अब हमें ये वाला धागा इसमें लगाना है। देखिए कैसे लगाएंगे इसको, इस तरह करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे बीच में फंदा लेके इसको पीछे की साइड से इसको ऐसे करके इसमें ऐसे निकालेंगे ये, और इसको हम ऐसे टाइट कर देंगे। एक दो तीन, ये देखिए। अब ये यहाँ पे हमें एक और डबल बनाना है, फिर ये देख, हर एक में हमें इसी तरह बनाना है। ये देखिए, तो चलिए मैं यहाँ तक लेके आती हूँ, तो आगे आपको दिखाती हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। ये देखिए, छह फंदे हमारे इधर हैं और छह इधर, एक दो तीन चार पाँच छह, एक फालतू है, हमने फालतू रखा ही था क्योंकि छह हमारे चोली में इधर, छह इधर, और पीछे हमने इसमें 13 लिए थे। अब ये देखिए हमें क्या करना है इसमें, जो हमारा सातवां हुआ है इसमें, ये देखिए, एक दो, फिर एक चैन लेंगे, फिर इसी में एक दो, फिर एक दो तीन, चार पाँच छः सात आठ नौ दस, पूरी हमें ये इसी तरह इसमें बनाना है। ये देखिए, लास्ट वाले में हमें डबल बनाना है, जैसे हमने फर्स्ट उधर बनाया था, एक और एक, ये दो। ये देखिए हमारी ये रो इसी तरह ये हो गई। अब इसको हम यहीं छोड़ देंगे, इसको इस तरह करके इसको हम ऐसे यहाँ छोड़ देंगे। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ आगे मुझे क्या करना है। देखिए दोस्तों, ये कुछ हमारा ये इस तरह बन के ये तैयार हो रहा है। चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको क्या करना है। ये देखिए, लास्ट वाली में हमने इसको उसेड़ा। अब हमें कुछ नहीं करना, सेम हमारा अब सेम ऐसे ही चलेगा इसमें, एक दो तीन, फिर हमने यहाँ एक, ये हमारे दो हो गए। अब इसके आगे वाले में हम डबल बनाएंगे, एक दो, इस तरह। फिर देखिए सेम हमारा पूरा ये पैटर्न ऐसे ही चलता जाएगा, हर एक चैन में हमें इसी तरह क्रोशिया डाल के बनाना है, हर एक चैन में। ये देखिए, सिर्फ हमारे फंदे यहाँ लास्ट में बढ़ेंगे। ये देखिए, सेम हमको
ऐसे ही अब रो तैयार करनी है, जितना बड़ा रखना है आप छोटा बड़ा। ये मैं आपको 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ। आप छोटा बड़ा हर साइज़ में इसको बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं हर वीडियो, ये देखिए ये जो हमने यहाँ 4 बनाई थी, अब यहाँ पे हमें सेम वैसे ही बनाना है। ये देखिए ये फंदे हमारे यहाँ से भी बढ़ते चले जाएंगे ये, और ये बहुत ही जल्दी फटाफट डिज़ाइन बन जाता है ये। ये देखिए ये कुछ देखिए हमारा ये इस तरह बनके तैयार हो रहा है ये। ये देखिए अब हमें लास्ट में क्या करना है, ये देखिए लास्ट में हमारी एक दो दो चैन है, तो इससे पहले हम इसमें डबल बना लेंगे। ये देखिए एक और दो। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, एक फिर ये जो हमारा पैटर्न है ये वाला, इसको हम पहले थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको ऐसे रख के इसके अंदर वाली जो चेन है उसमें हम इस तरह से बनाएंगे और इसको हम इस तरह खींच लेंगे। ये देखिए हमारा ये हमारा देखिए इस तरह बनके तैयार होगा। अब इसको हम यहीं छोड़ देंगे, ये इसको ऐसे करके इसको यहाँ छोड़ देंगे, इसको ऐसे टर्न करेंगे। अब हम इसको ये वाला कलर इसको इस तरह करके इसको ऐसे करके और इसको यहाँ से ऐसे फंसाएंगे ऐसे, और इसको हम यहाँ से इस तरह खींच देंगे। ये देखिए ये हमारा यहाँ धागा जॉइंट हो गया। फिर 1 2 3 तीन की चैन लिए, फिर सेम हमें ऐसे ही बनाना है। ये देखिए ये देखिए 1 और 2, फिर इसमें हमें डबल बनाना है। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, सेम पैटर्न हमारा ये इसी तरह चलता जाएगा ये पूरा। तो चलिए मैं कुछ रो बना के आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए सेम हमारा अब ये इसी तरह पैटर्न चलता जाएगा ये हमारा कुछ ये देखिए इस तरह ये बनके तैयार हो जाएगा ये इस तरह हमारा ये बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए मैं कुछ रो आपको बना के आगे दिखाती हूँ कि इसके आगे मुझे क्या करना है। ये देखिए दोस्तों ये मेरा कुछ इस तरह ये बनके तैयार हो रहा है। ये देखिए ये अभी मैं इसमें 1-2 लाइन और बनाऊंगी। ये देखिए सेम पैटर्न मेरा ऐसे ही चल रहा है। ये देखिए
सेम पैटर्न हमारा ऐसे ही चलेगा, एक और ये दो, फिर एक चैन, फिर इसी में एक बार और एक और एक ये दो। ऐसे आप हर साइज में इसको छोटा बड़ा हर एक साइज में इसको बना सकते हैं, 0 से लेके 1, 2, 3 जितने बड़े साइज में आपको बनाना हो। सिर्फ ऊपर चोली अगर आपने बना ली तो फिर नीचे आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए ये हमारा इस तरह बनके ये तैयार हो रहा है, ये और इधर से देखिए इस तरह ये खुला है। आप इसमें बटन लगाएं, डोरी लगाएं, आप ये अपने चॉइस के हिसाब से इसमें लगा सकते हैं। चलिए मैं ये रो आपको पूरी करके दिखाती हूँ कि अब हमें क्या करना है आगे। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ मेरी है इस तरह बन के तैयार हुई है, और मैंने क्रीम कलर का धागा यहाँ कट कर दिया है। ये मैंने 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ से तो ये 7 है, लेकिन हम इसे यहाँ से काउंट करेंगे। यहाँ तक तो हमारी चोली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाकी लंबाई आप अपने चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। अब ये देखिए हमें इसमें आगे क्या करना है। एक चैन ली, इसके बाद इस तरह धागा लिया, ये देखिए एक दो तीन, इसमें 3 हो गए, 1, 2, 3 तीन की चैन ली, फिर सेम हमें इसी में 3 बार और बनाना है। एक दो और देखिए 3, ये देखिए अभी देखिए 1 छोड़ेंगे दूसरे वाले में, इसको इस तरह ज्वाइंट कर देंगे, फिर इसके आगे वाले में भी सेम हमें इसी तरह कर देंगे। अब इसके आगे वाले में हमें देखिए फिर 1, 2 3, फिर 1, 2, 3 फिर सेम वैसे ही बनाएंगे इसमें। तो ऐसे ही ये हमें पूरा ये देखिए ये हमारी इस तरह ये बनती चले जाएगी। पूरी रो हमें इसी तरह बनानी, चले मैं आगे ये रो बना के आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये इस तरह इसमें भी ये फ्रिल बना दी है, ये देखिए, और ये मैंने अभी इधर नहीं बनाया है, अभी मैं इधर भी बना के आपको आगे दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसमें बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको आगे बना के दिखाती हूँ, पूरी कंप्लीट करके दिखाती हूँ इसको आगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी ये पूरी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, ये देखिए पीछे से कुछ ये इस तरह से
आई है ये, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आपको अगर ये ड्रेस पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी, ताकि मैं अगली वीडियो में आपको इससे भी अच्छी अच्छी ड्रेस बनाना बता सकूं। ये देखिए इधर से कुछ इस तरह से है। आप इसमें यहाँ पर बटन लगा सकते हैं या आप स्टोन वगैरह कुछ भी इसमें आप लगा सकते हैं। राधे राधे।